निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए सुअरों को पकड़ने का ठेका रतलाम की टीम को दिया है। एक सुअर पकड़ने के एवज में निगम रतलाम की फर्म को 160 रुपए दे रही है। निगम से अनुबंधित शर्त में यह उल्लेख है कि सुअर पकड़ने वाली फर्म तभी कार्रवाई करेगी जब उसे पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। सुअर पकड़ने के बाद जिस गाड़ी में सुअर भरकर ले जाए जाएंगे उस गाड़ी के साथ पुलिस की गाड़ी भी वहां तक जाएगी जहां तक फर्म का मालिक चाहेगा। लेकिन आज कानीपुरा क्षेत्र में सुअर पकड़े गए। निगम और ठेकेदार के ऊपर सुअर मालिकों ने हमला कर दिया जिसमें निगम अधिकारी पुलिस के वाहन और सुअर को ले जाने वाली गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान सुअर पकड़ने वाले ठेकेदार पर भी आरोपियों ने हवाई फायरिंग कर दी। ठेकेदार ने उज्जैन लोकल के सुअर पालक लाला डागोरिया और सनी कार्पेटिस की टीम ने हमला करना बताया है। क्षेत्र में रहने वाले लड़के से भी पशु मालिकों ने मारपीट कर दी। वहीं रहवासी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की जिसकी शिकायत चिमनगंज थाने में की गई है। क्षेत्र में उस समय खलबली मच गई जब आसपास में सुअर पकड़ने वाले और सुअर मालिकों के बीच विवाद बढ़ गया। पुलिस सुरक्षा में पकड़े गए सुअरों को गाड़ियों में भरकर शहर से बाहर ले जाया जा रहा था। कल भी चिमनगंज थाना क्षेत्र में सुअर पकड़ने आए दल के एक ड्राइवर के साथ मारपीट भी हुई थी। इस पूरे मामले में निगम के सभी अधिकारी मौन रहे और किसी भी तरह के बयान से बचते रहे। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। ये हुआ कि साहब यहाँ आपको मालूम है ठेका चल रहा है सुअर हटाने का। स्थानीय सुअर वाले जो एक को जिसका मेरे कहने नाम दर्ज हुआ है लाला डागोरिया, वो उसकी टीम थी और उसके साथ में सनी कार्पेटिस करके लड़का है जो इंदौर का और यहाँ का लोकल है वहाँ से यहाँ आके कर रहा था। वो पहचानता है तो वही पहचानता था। तो तीन गाड़ियाँ फोड़ दी मेरी, मेरे को मारा, मेरी टीम को मारा, फतराव करा। साहब चली तो है लेकिन कोई मानने के लिए राजी नहीं है। ऑटोमेटिक था सामान, वो कोई मानने के लिए राजी नहीं है। अब अधिकारी को तो बताना पड़ेगा ना कि गोली चली थी, अब उठने कैसी चलेगी, अब कैसे बता दूँ मैं गोली खाने के लिए। हाँ अधिकारी गाड़ी गई, नगर निगम की गाड़ी, एक अधिकारी की नगर निगम की गाड़ी फूटी, एक पुलिस की गाड़ी फूटी, एक मेरी गाड़ी फूटी, तीन टोटल तीन गाड़ियाँ फूटी है। नगर निगम ने शहर में जो आवारा सुअर घूम रहे हैं उनको पकड़ने के लिए अमित डागर नाम के एक व्यक्ति को जो इंदौर का रहने वाला है उनकी टीम को ठेका दिया है। उनकी टीम यहाँ आई थी सुअर पकड़ने के लिए, तो जब वो सुअर पकड़ने की कार्रवाई कर रहे थे तो उनके साथ में गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है और एक आध डंडा उस लड़के को अमित डागर को भी लगा है। लेकिन अमित डागर बता रहा है कि कोई फायर हुआ है, पर ऐसी स्थिति यहाँ अभी दिखाई नहीं दी है, फिर भी जांच की जा रही है उसकी। जिस समय अमित डागर के साथ घटना हुई है उस समय उसके पास पुलिस बल मौजूद नहीं था, लेकिन टीम में पुलिस बल था, वो दूसरी जगह कार्रवाई में संलग्न था। मौके पर जब घटना हुई थी उस समय पुलिस बल नहीं था। 10-15 लोगों का बता रहा है, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है।